नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो स्पीड है बहुत ही तेज है। इस साल में इसको पूरा किया जाना है, यानी 2023 के दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से पिछले लगभग 15 दिनों में ही ये सब जो आप देख सकते हैं मिट्टी पड़ी है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये सब पिछले 15 दिनों में ही हुआ है, क्योंकि दिसंबर तक इसको कंप्लीट करके देना। और ये इतना महत्वपूर्ण हाईवे है कि 2.5 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचाने की गारंटी जो है इसके थ्रू दी जा रही है कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून चले जाएंगे। NH9 इसको नया नाम दिया गया है, ये दिल्ली से सहारनपुर होता हुआ देहरादून जाएगा। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं जो पुल है, इस समय ये पुल बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर पहले जो एक पुल था उसको डिमोलाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिट्टी को रोकने के लिए जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये स्ट्रिप जो है, ये प्लास्टिक की जो स्ट्रिप है मिट्टी को बांधने के लिए, ये स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। ये मिट्टी में यहाँ पर जो है डाली गई है और ये 5 मिनट की स्ट्रिप है। ये कुल 25 मीटर चौड़ा जो है ये पुल रहेगा। पूरे हाईवे की जो चौड़ाई रहेगी वो 25 मीटर से कुछ ज़्यादा रहेगी। ऐसी 5 स्ट्रिप रहेगी और इसकी जो हर अगर मिट्टी की मोटाई की बात करें तो ये करीब इतना मोटा है, यानी करीब 1 मीटर के करीब जो है ऊंचाई पर इसी तरह की स्ट्रिप यहाँ पर आपको डाली जाएगी ताकि मिट्टी सॉलिड रूप से पकड़ी जाए। और ये कभी न गलने वाली जो है स्ट्रिप है, प्लास्टिक है, कि ये सैकड़ों साल तक ऐसा सच रहेगी, गलेगी नहीं, छीन नहीं होगी। और काफ़ी तेज़ी से आप पहले इस फेज में जो पुल है इस पर बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो ट्रैफिक चल रहा है इस ट्रैफिक पर बनाया जाएगा अगला पार्ट। उसके बाद जहाँ पर आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है, गाड़ी पर सर्विस लाइन बनाई जाएगी। यानी ये पुल यानी जो हाईवे की चौड़ाई है वो 25 मीटर है, साइड में आपको 10-10 मीटर की जो है सर्विस लाइन दी जाएगी। दोनों तरफ 10-10 मीटर की सर्विस लाइन कंस्ट्रक्शन की जाएगी ताकि जो वाहन है वहाँ से गुजर सके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डावर कंपनी है वो इस समय दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कर रही है। अक्षरधाम से लेकर दिल्ली तक दिल्ली में जितना जो एरिया है वो डावर जो है कंपनी कंस्ट्रक्शन में कर रही है, उसको भी ये दिसंबर तक देना है। गांधीनगर से लेकर खजूरी तक 6 किलोमीटर के करीब पर जो है एलिवेटेड रोड है, यानी पुल के ऊपर तक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ही पिलर पर रहेगा। बताया जा रहा है कि देश का ये पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ एक पिलर पर 25 मीटर चौड़ा पुल बनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक स्पेशल वायर के थ्रू जो है वो पुल बनेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी डाली जा रही है, JVC यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और किस तरह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि दिल्ली बहुत ही जो है ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर ट्रैफिक को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका भी समुचित ध्यान रखा गया है। और ये जो पेड़ थे इन पेड़ों को भी कई को जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है ताकि पेड़ों को भी नुकसान ना पहुंचे। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट है उसके दूसरी तरफ भी जो है जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सकरपुर जो है एरिया, यहाँ पर सकरपुर और लक्ष्मीनगर, यानी आप समझ सकते हैं कि इस जगह मैं खड़ा हूँ, ये सकरपुर का एरिया है जहाँ पर इस समय बड़ी जो है तेज़ी से जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आप तो ये देख सकते हैं कि कितनी जो है मिट्टी अभी तक यहाँ पर डाली गई है। और ऊंचाई इस पुल की आप अगर नीचे से देखें तो काफ़ी ऊंचाई इस समय करीब 2 मीटर के करीब जो ऊंचाई पुल से जो सड़क से जो है ऊपर तक आपको देखने को मिलेगी। बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। और उधर जो है सर्विस लाइन आपको या जो पाइप लाइन है उससे पहले सर्विस लाइन भी मिल जाएगी, इस साइड 10 मीटर की और उस साइड भी 10 मीटर की। 25 मीटर का ये पुल रहेगा, क्योंकि 2.5 घंटे में क्लेम किया जा रहा है कि 2.5 घंटे में जो है आप सीधे जो है देहरादून पहुंच जाएंगे। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। भारत सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षा योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको लेकर जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी काफ़ी क्लेम करते हैं कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी बागपत, सहारनपुर, शामली होता हुआ फिर देहरादून जुड़ेगा, तो ये दिल्ली से लेकर 2 राज्यों को जोड़ेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जो यहाँ वहाँ के जो गाँव हैं वहाँ पर भी इसका जो है विकास पर काफ़ी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात और, जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमा था तो कई लोगों का कहना था कई जगह ये अपलिफ्ट है, अगर कई कस्बों को जोड़ता जाता ये जो एक्सप्रेसवे है तो वहाँ कस्बों की जो है
डेवलपमेंट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती, लेकिन क्योंकि कई कस्बों के बाहर बाहर ये चला गया है तो उन लोगों की ये नाराजगी भी थी कि अगर इस तरह का प्रोजेक्ट हो, अगर कस्बों को जोड़ता चले या उनके नज़दीक से गुजरे तो उस क्षेत्र में भी विकास की पर्याप्त संभावना पैदा होती है। तो नितिन गडकरी अगर इस वीडियो को देखें तो जरूर ये समझे कि जब भी किसी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट अगर निकले तो वो उस एरिया के जो छोटे सिटीज़ हैं, गाँव हैं, कस्बे हैं, उनको लिंक करते चले। यानी विकास तो बहुत तेज़ी से होना चाहिए, गति भी जानी चाहिए, मुड़ना भी चाहिए, लेकिन जो क्षेत्रीय जो कस्बे हैं, गांव हैं, उनके विकास को भी अपनी निगाह में रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताएं, मैं इसका अपडेट लगातार आपको देता रहूंगा। नमस्कार।